तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा इलास्टिक कौन होगा स्टील फिर उसके बाद कौन होना चाहिए हमारा कॉपर और फिर हमारे पास क्या आएगा पहले हो गया स्टील फिर हो गया हमारे पास कॉपर देन देन हमारे पास कौन रहेगा ग्लास रहेगा इलास्टिक और देन उसके आखिर में हमारे पास कौन आएगा रबर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट सोल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है फॉर आफ्टर इफेक्ट इलास्टिसिटी का किसके लिए मैक्सिमम होता है तो वो ग्लास के लिए सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंस हैज हाइएस्ट इलास्टिसिटी तो स्टील के पास सबसे ज्यादा हाइएस्ट इलास्टिसिटी हमें देखने को मिलती है इन द सॉलिड द इंटर अटोमिक फोर्सेस आर सॉलिड के अंदर जो इंटरअटोमिक फोर्सेज है क्या वो रिपल्सिव है अट्रैक्टिव है कॉम्बिनेशन है दोनों का या कोई भी नहीं अगर हम सॉलिड्स के अंदर देखें तो जो हमारे पास इंटरअटोमिक फोर्सेज होती है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होती है भाई रिपल्सिव का भी और अट्रैक्टिव का भी देन टू आइडेंटिकल वायर ऑफ रबर एंड आयरन आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम वेट देन द नंबर ऑफ एटम्स इन आयरन वायर विल इक्वल टू दैट ऑफ रबर वायर लेस देन दैट ऑफ द रबर

कितने एटम्स वहां पर प्रेजेंट होंगे तभी तो उसका मास भी तो पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा हो पाएगा तो अगर हम यहाँ पर ध्यान दें रबर ज्यादा डेंस हुआ या आयरन ज्यादा डेंस हुआ ऑब्वियसली आयरन ज्यादा डेंस हुआ तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि भाई उसके पास ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है मोर देन दैट ऑफ रबर इज दैट क्लियर विल बी द करेक्ट सोल्यूशन द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम अट्रैक्शन इन द कर्व बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड द डिस्टेंस आर ऑफ द डायटोमिक मॉलिक्यूल रिस्पेक्टिवली आर वी नो दैट कि जो फोर्स की वैल्यू होती है वो कितनी होती है माइनस डी यू बाई डी आर अब अगर हम एस पॉइंट को चूज करें तो यहाँ पर जो हमारा स्लोप है ये कैसा है पॉजिटिव स्लोप है इज दैट क्लियर और पॉजिटिव होने के साथ सबसे ज़्यादा हमारे को यहीं पर स्लोप देखने को मिल रहा है अगर कहीं और भी बनाओगे तो यहाँ तो ऑप्टिज़ एंगल बन रहा है जीरो डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर भी तो यहाँ हमारे को एक्यूट एंगल देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब है डी यू बाई डी आर यहाँ पॉजिटिव होगा तो फोर्स आएगी नेगेटिव तो यहां पर क्या फील होगा अट्रैक्शन ये चीज पहली हो गई ठीक है अब एस मतलब अट्रैक्टिव पॉइंट है एक हमारे पास आंसर निकला आया एस तो या तो आंसर ए सही होगा या फिर आंसर देखते हैं अभी एक एस निकला अट्रैक्शन का पॉइंट और एक और देखते हैं हम कौन सा पॉइंट निकलेगा देन मिनिमम अट्रैक्शन देखना है तो मतलब ये एंगल बिल्कुल चिपक जाना चाहिए जीरो के पास ये अक्यूट एंगल है ये देखो यहां सारे एंगल्स ऑप्टूज रहेंगे तो यहाँ से हमें कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर सारी फोर्स पॉजिटिव आएगी रिपल्सिव आएगी इसके बाद ये एंगल देखो छोटा होता जा रहा है अगर तुम एस से टी जाओगे और टेंजेंट्स बनाना शुरू करोगे जैसे एस पर टेंजेंट बनाई तो एस सी फिर जैसे तुम आगे बढ़े थोड़ी टेंजेंट ऐसे झुक जाएगी फिर टी तक जाओगे तो टेंजेंट ऐसी हो जाएगी तो तुम जा जैसे जैसे आगे जा रहे हो क्या है टेंजेंट नीचे की तरफ जा रही है एंगल कम हो रहा है तो डी यू बाई डी आर की वैल्यू भी कम हो रही है तो वो कम नेगेटिव होती जाएगी तो एक्चुअली आंसर अभी भी यहाँ पर भी पॉजिटिव ही रहने वाला है डी यू बाई डी आर पॉजिटिव रहेगा लेकिन लेस वैल्यू तक वो पॉजिटिव हो जाएगा तो नेगेटिव हो नेगेटिव लेस वैल्यू स्लोप की जो वैल्यू आएगी वो बहुत कम आएगी क्योंकि देखो अगर तुम इसे मान लो फोर्टी फाइव डिग्री का एंगल है तो टेन फोर्टी फाइव डिग्री कितना आएगा वन आएगा और इसे मान लो जीरो डिग्री के आसपास है तो टेन जीरो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास जीरो के बराबर आ जाएगा तो कहने का मतलब है अगर हम ध्यान से देखें तो इस पॉइंट पर टी पॉइंट पर अभी भी अट्रैक्शन हो रहा है है ना क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू रहेगी स्लो की अट्रैक्शन हो रहा है लेकिन मिनिमम अट्रैक्शन है और एस पर मैक्सिमम अट्रैक्शन है तो एस एंड टी विल बी द करेक्ट सोल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम लेट एस स्टार्ट विद स्ट्रेस स्ट्रेन एंड द हु स्लो टू बार्स ए एंड बी ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एंड सेम वॉल्यूम एंड मेड ऑफ सेम मियल आर सब्जेक्टेड टू टेंशन डायमीटर ऑफ ए इज हाफ ऑफ दी ऑफ बी ठीक है एंड इफ फोर्स अप्लाइड टू बोथ ऑफ द रॉड इज सेम एंड इट इज इन इलास्टिक लिमिट देन द रेशियो ऑफ एक्सटेंशन ऑफ़ ए टू दैट ऑफ बी इज देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं अब उसने एक बोला ना कि भाई आपके पास ऐसा केस है कि दोनों रॉडों की जो वॉल्यूम है वो सेम है दोनों रॉड सेम मटेरियल के बने हैं दोनों रॉड पर एक ही जैसी फोर्स लग रही है तो ये तीन चार चीज़ें उसने दे रखी है एक तो वॉल्यूम हो गया ठीक है दूसरी चीज़ जो फोर्स अप्लाइड है दोनों रॉड पर वो सेम है तीसरी चीज़ सेम मटेरियल के बने हैं तो ये तीन चीज़ें हमारे को देखते हुए चलनी है इज़ दैट क्लियर तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा चतुराई से ए से मल्टीप्लाई ए से डिवाइड कर दूंगा इससे मेरे को क्या फायदा होगा इससे मेरे को ये फायदा हो जाएगा ये बन जाएगा एफ ए इंटू वॉल्यूम अपॉन कांस्टेंट है तो इट इज इनवर्सली स्क्वा डेल्टा एल वन डेल्टा एल टू एक्वायर ए वन स्क्वायर वैसे लिख सकता हूँ पाई डी स्क्वा एंड इसे लिख सकते हो पाई डी स्क्वायर अपॉन में फोर इसका भी होल स्क्वायर इसका भी होल स्क्वायर दैट इज डी टू का फोर डी वन का फोर अब डी टू कितना है हमारा दो गुना है यहाँ लिखा है कहीं हाँ लिखा है ना ए इज हाफ ऑफ दैट ऑफ बी तो जो बी है मतलब डी टू है वो दो गुना है वन का दो दो नी चार दो तीन चार, चार चार चौक सोला. तो आंसर कितना आ जाएगा सोलह तो डेल्टा एल वन बाई डेल्टा एल टू की जो रेशो आ जाएगी कितनी हो जाएगी सिक्सटीन नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहा जा रहा है कि भाई द अपर एंड ऑफ द वायर ऑफ रेडियस फोर मिलीमीटर एंड लेंथ हंड्रेड सेंटीमीटर इज क्लाड एंड इट्स अदर एंड इज ट्विस्टेड थ्रू एन एंगल ऑफ थर्टी डिग्री देन द दियर एंगल विल बी इक्वल टू तो हमसे पूछा गया है कि भाई हमारा जो शेयर एंगल होगा वो हमारे को निकालना है इफ द अपर एंड ऑफ द वायर ऑफ रेडियस फोर ये वायर का एंड है ये रेडियस हमारे को कितनी दे रखी है फोर मिलीमीटर mm दे रखी है लेंथ कितनी दे रखी है हंड्रेड सेंटीमीटर मैंने इसे टर्न करा तो टर्न करने से क्या होगा थोड़ा सा इसका जो ये एक्सेस है ये थोड़ा सा मुड़ जाएगा ये शेयर एंगल हो जाता है मुझे पता है मैं लिख सकता हूँ आर फाइव वेयर आर इज द रेडियस इज इक्वल टू अब ये यहाँ से टर्न हुआ ये भी यहाँ पर से टर्न होगा ये लेंथ हमारे पास कितनी है एल लेंथ है ठीक है तो हम ये लिख सकते हैं आर फाइव थीटा तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें थीटा की वैल्यू निकालनी है आर फाइव अपॉन में एल तो थीटा की वैल्यू अब आर की वैल्यू हमारे पास कितनी देर है? फोर मिलीमीटर टर्निंग एंगल कितना दे रखा है थर्टी डिग्री इसे एक काम करते हैं थर्टी डिग्री दे रखा है ना चलो इसे लिख लो पाई बाय सिक्स और लेंथ हमारे को कितनी दे रखी है यहाँ पर हंड्रेड सेंटीमीटर हंड्रेड टेंट दी पावर माइनस टू मीटर मुझे इसे कन्वर्ट करना है किस में डिग्री में तो वन एट्टी बाई पाई मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा क्लियर तो ये आंसर लगभग लगभग कितना आ जाएगा अरे यार बहुत गंदा सा आंसर आ रहा है यार ये तो पाई से पाई काट दो छम छम बारह छति अट्ठारह और चार तिया बारह बारह टेन की पावर ये कितनी पावर हो जाएगी हमारे पास टेन की पावर ज़ीरो ये तो कैंसिल ही हो गया हंड्रेड सेंटीमीटर एक मीटर हो गया ना ये हट गया तो चार तिया बारह एक सौ बीस टेन की पावर माइनस थ्री जीरो पॉइंट वन टू के आसपास आंसर आ रहा है मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूँ

ये वो बॉक्स है और मैंने इसके अपर एंड पर एक फोर्स लगा दी एफ जिसकी वजह से ये पूरा बॉक्स खिसक गया थोड़ा सा इसे नया बनाते हैं ऐसे ऐसे खिसक गया तो अब हमसे कह रहा है कि यहां पर क्या क्या चीजें आपको देखने को मिल रही है अपर सरफेस फोर्स इज अट और फोर्स भी जो है हमने थर्टी डिग्री के एंगल पर लगाई है थर्टी डिग्री फ्रॉम इट्स सरफेस यहाँ से थर्टी डिग्री के एंगल पर हमने फोर्स लगाई है तो एक फोर्स तो ऐसी लगेगी और एक फोर्स ऐसी लगती हुई मुझे नज़र आ रही है तो यहाँ पर बॉक्स के क्या क्या चीज़ में चेंज हो रहा है पहली बात है वो क्यूबिकल बॉक्स सब मुझे दिख रहा था अब काजू कतली बन चुका है, है ना तो शेप में तो चेंज आया ही आया है साथ ही साथ तुम देख रहे हो यहाँ पर शेप में चेंज के बाद ये जो चीज खिसकी है ये देखो ना यहाँ पर ये फोर्स लग रही है इसने शेप चेंज करवाई लेकिन ये वाली जो फोर्स है कंप्रेसिव फोर्स है तो इसकी वजह से क्या होगा बॉक्स नीचे की तरफ भी दबेगा दबेगा तो साइज भी उसका चेंज होगा तो पहली तो शेप चेंज दिख रही है और दूसरा साइज चेंज दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हमारा सोल्यूशन हो जाएगा कॉपर वायर एंड अ स्टील वायर ऑफ द सेम डायमीटर एंड लेंथ आर कनेक्टेड एंड टू एंड तो एक कॉपर वायर और एक स्टील वायर को हमने एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया ये कॉपर ये स्टील अब स्टील का केमिकल वो नहीं पता मुझे भैया तुम अपने आप देखो स्टील को केमिकली कैसे दिखाते हैं तो ये हो गया कॉपर ये हो गया स्टील दोनों का डायमीटर सेम है लेंथ भी दोनों की सेम है और हमने एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया अ फोर्स इज अप्लाइड व्हिच स्ट्रेच देयर कंबाइंड लेंथ बाय वन सेंटीमीटर एक फोर्स हमने लगाई जिसकी वजह से दोनों की कंबाइंड लेंथ एक सेंटीमीटर तक खिंच गई तो डेल्टा एल नेट कितना हो गया वन सेंटीमीटर दैट इज डेल्टा एल ऑफ कॉपर प्लस डेल्टा एल ऑफ स्टील कम्बाइंड जो खींचे वो कितने हो गए वन सेंटीमीटर तक खींच गए द टू वायर विल हैव डिफरेंट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन सेम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन द स्ट्रेन द सेम स्ट्रेन बट डिफरेंट स्ट्रेस द सेम स्ट्रेस बट डिफरेंट स्ट्रेन दोनों के अंदर जो फोर्स लग रही है जिससे हम उसे खींच रहे हैं अगर ध्यान दोगे अगर मान लो तुमने इसे रिजिड सपोर्ट से भी कर दिया क्या फर्क पड़ रहा है अगर तुमने इसे रिजिड सपोर्ट से भी कनेक्ट कर दिया तो ये जो फोर्स लग रही है एक्चुअली ये दोनों में सेम ट्रांसफर होगी फोर्स ऐसा नहीं है कि अलग अलग ट्रांसफर होगी वो सेम ट्रांसफर होगी तो फोर्स दोनों में सेम रहेगी दैट इज स्ट्रेस दोनों में सेम रहेगा लेकिन स्ट्रेन दोनों का अलग अलग रहेगा जुड़कर वो आपको कंप्लीट स्ट्रेन देंगे स्ट्रेस विल रिमेन सेम बट स्ट्रेन विल बी डिफरेंट तो स्ट्रेस तो हमारे सेम रहेंगे क्योंकि एरिया सेम है फोर्स सेम लग रही है लेकिन जो स्ट्रेन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा डिफरेंट हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट सोल्यूशन क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड जीरो पॉइंट वन मीटर इज सब्जेक्टेड टू अ शेयरिंग फोर्स ऑफ हंड्रेड न्यूटन टॉप फेस ऑफ दूब इज टू हमारे को सिचुएशन कुछ ऐसी दी गई कि जो ऊपर वाला टॉप मोस्ट बॉक्स है ये वाला ये 0.02 सेंटीमीटर तक खिसक जाता है और हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर यह काम एक सौ न्यूटन की फोर्स करवा रही है तो आप ये बता दीजिए कि जो शेयरिंग स्ट्रेन होगा वो कितना लगेगा वी नो दैट ये लेंथ हमारे को कितने है? मीटर. ये जितना खिसक गया अपॉन में दिस अकॉर्डिंग टू द फॉर्मुला तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास ये गया टेन से जीरो कट जाएगा तो टू इन टू टेन पावर वन माइनस थ्री तो ये आएगा जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू विच इज ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट सोल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम नेक्स्ट अ टू मीटर लॉन्ग रॉड ऑफ रेडियस सेंटीमीटर इज फिक्स फ्रॉम वन एंड एंड इट्स गिवन अ ट्विस्ट टाइं एट रेडियन तो एक लंबी सी रॉड को हमने जीरो पॉइंट एट रेडियन तक कर दिया साहब ट्विस्ट इसकी जो रेडियस है एक सेंटीमीटर की है और ये दो मीटर की लंबी रॉड है तो मैं लिख सकता हूँ एल इंटू थीटा इक्वल टू आर इन फाइव हमसे पूछा क्या ये बताओ कि जो शेयर स्ट्रेन इसके अंदर डेवलप हो रहा होगा वो शेयर स्ट्रेन कितना डेवलप होगा अब मुझे पता है कि जो रॉड है वो दो मीटर लंबी है इज दैट क्लियर जब मैं इसे यहाँ पर से घुमाऊँगा इसे जीरो पॉइंट एट डिग्री तक जब मैं यहाँ पर से घुमाऊंगा तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं जो शियर एक सेकेंड शेयर स्ट्रेन यहाँ पर जो लग रहा होगा दैट विल बी नथिंग बट इट विल बी फाइव विल्फ इज दैट क्लियर वो सॉरी थीटा तो थीटा की वैल्यू हम निकाल लेंगे दैट इज अपॉन में की वैल्यू हमारे को कितनी दे रखी है एक सेंटीमीटर फाइव की वैल्यू हमारे को कितनी दे रखी पॉइंट एट अपॉन में रेडियन दे रखी है ना हा पॉइंट एट रेडियन बिल्कुल सही कर रहे हैं अपॉन में टू तो यह कितना आंसर आ जाएगा यार जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट जीरो जीरो फोर विच इज ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट सोल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम टू वायर ऑफ कॉपर हैविंग द लेंथ इन द रेशो फोर रेशन एंड द रेडियाई रेशन रेशो फोर तो हमें लेंथ की रेशो दे रखी है एल वन अपॉन्ट में एल टू फोर रेशो वन और रेडियाई की रेशो दे रखी है आर वन अपॉन में आर टू वन रेशो फोर हमसे पूछा गया फाइंड द रेशो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन विल बी स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा एल अपॉन में एल वी नो दैट यंग्स इज फोर्स अपॉन में एरिया अपॉन में स्ट्रेन तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा एफ अपॉन में ए वाई तो स्ट्रेन अपॉन में स्ट्रेन टू एफ वन अपॉन में ए ए वाई वाई अपॉन में एफ 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 से कैंसिल वाई से वाई कैंसिल एज पर द क्वेश्चन कि भाई फोर्स सेम लग रही है नेचर सेम है मटीरियल सेम है तो यहाँ पर क्या लिख सकता हो आर टू स्क्वायर बाय आर वन स्क्वायर R2 by R1 कितना आ जाएगा हमारे पास 16. तो 16 इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है ध्यान से देखना अगर मैं देखूँ लास्ट से शुरू करते हैं हम हाइड्रोलिक स्ट्रेस देर इज नो चेंज इन वॉल्यूम क्या हाइड्रोलिक स्ट्रेस केस में वॉल्यूम चेंज नहीं होती तुम एक सिंपल सिनेरियो लो ये मेरे पास एक बॉल है स्टील की जमाना समुंदर में फेंक दिया तो हर जगह से पानी का दबाव लगेगा ये कौन सा स्ट्रेस है पानी के द्वारा लगने वाला हाइड्रोलिक स्ट्रेस इसकी वजह से ये जो बॉल है ये थोड़ी सी श्रिंक कर जाएगी तो श्रिंक कर गई तो क्या श्रिंक करा उसमें वॉल्यूम श्रिंक करा तो वॉल्यूम का चेंज इसके अंदर आता है तो इसलिए ये वाला गलत हो गया शेयरिंग स्ट्रेस में शेप चेंज नहीं होती ये देखो ध्यान से अगर मैं इस इसमें फोर्स लगा दूं तो ये जो बक्सा है ये काजू कतली जैसा दिखना शुरू हो जाएगा अब बताओ क्या इसके अंदर शेप चेंज नहीं हुई है बिल्कुल हुई है ये भी गलत हो गया टेंसाइल स्ट्रेस देर इज़ नो चेंज इन वॉल्यूम बात बिल्कुल सही है टेंसाइल स्ट्रेस में वॉल्यूम चेंज नहीं होती शेयरिंग स्ट्रेस देर इज़ अ चेंज इन वॉल्यूम शेयरिंग स्ट्रेस कह रहा है कि भाई शेयरिंग शेयर अगर मैं करता हूँ तो वॉल्यूम में चेंज आता है वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी तो हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट रह गई हमारे पास रह गई सिर्फ और सिर्फ बी स्टेटमेंट जो कि क्या है हमारी करेक्ट है तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा द इनक्रीज इ वायर ऑफ लेंथ एल बाय द लॉन्गेट्यूड स्ट्रेस इज प्रपोर्शनल टू कह रहा है कि इंक्रीमेंट जो हमारे को देखने को मिल रही है डेल्टा एल वो एल के बराबर है अब हमें यह बताना है जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ वो किसके प्रपोर्शनल है देखो यंग मॉडल स्ट्रेस अपॉन मे स्ट्रेन तो स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग मॉडल एल अपॉन में कैपिटल एल तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एल अपॉन में कैपिटल एल विच इज योर ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है अ वायर इज लोडेड बाय 16 केजी एंड इट्स वन एंड तो एक वायर को हमने 6 किलो से लोड कर रखा है द इंक्रीज इन लेंथ इज 12 मिलीमीटर द रेडियस ऑफ द वायर इज डबलड एंड ऑल अदर मैग्नीट्यूड रिमेन अनचेंज देन द इंक्रीज इन लेंथ विल बी तो वी नो दैट कि भाई जो इंक्रीमेंट इन लेंथ होती है वो हम ऐसे लिख सकते हैं तो पहले केस के अंदर ये है बारह मिलीमीटर के बराबर लेंथ एल ही है एरिया ए ही है और यंग्स मॉडल वाई ही है ठीक है लोड जो हमारा लग रहा है छह किलो का लग रहा है तो इसका मतलब ये मानकर चलना ये सिक्सटी न्यूटन होगा दूसरे केस की हमें चेंज इन लेंथ निकालनी है लोड वगैरह अभी भी चेंज नहीं हुआ है लेंथ भी चेंज नहीं हुई सिर्फ जो रेडियस है वो डबल कर दी अगर रेडियस डबल कर देंगे तो जो एरिया होगा वो चार गुना बढ़ जाएगा क्योंकि एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर तो इनिशियल केस से चार गुना एरिया बढ़ गया वाई अभी भी सेम रहने वाला है ठीक है थोड़ा सा मुझे लग रहा है मैंने पीछे की तरफ लिख दिया इसे इधर कर लेते हैं अब जब मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा ये दोनों चीजें कट जाएंगी ये इससे कट जाएगी

अगर हमने वायर की लेंथ को आधा कर दिया तो वो कितना लोड और उठा पाएगी देखो हम जानते हैं ब्रेकिंग फोर्स जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है एरिया ऑफ प्रोसेक्शन ऑफ वायर पे तो अगर तुमने यहाँ पर लेंथ के साथ कुछ भी करा लेंथ को आधा कर दिया पौना कर दिया कुछ भी कर दिया क्या उसके ऊपर तुम्हारा ब्रेकिंग फोर्स डिपेंड करेगा तो आंसर है नहीं तो इसलिए करेक्ट सोल्यूशन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट सोल्यूशन हो जाएगा सेम ठीक है आंसर विल बी बी देन हमसे क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है हमसे क्वेश्चन कहा जा रहा है देर आर टू वायर ऑफ सेम लेंथ द डायमीटर ऑफ द सेकेंड वायर इज ट्वाइस देन दैट ऑफ द फर्स्ट वायर

वाई सेम है एरिया ए है सेकेंड वायर के लिए क्योंकि डायमीटर दो गुना हो गया तो रेडियस भी क्या हो जाएगी दो गुना हो जाएगी तो एरिया हमारा चार गुना हो जाएगा तो सेकंड केस के लिए बस यहां पर यह आंसर होगा कि वन बाय फोर टाइम्स आ जाएगा क्योंकि बस एरिया के अंदर चेंज हुआ है बाकी के अंदर तो कुछ चेंज हुआ नहीं है तो वन बाय फोर टाइम्स ऑफ डेल्टा एल वन इज दैट क्लियर वन बाय फोर टाइम्स ऑफ डेल्टा एल वन तो अब हमसे यहां पर पूछा गया ऑन अपलाइंग द सेम लोड बोथ ऑफ द एक्सटेंशन टू की अगर हम दे तो रेशो देखें तो आंसर कितना है वो किसमें चेंज लाता है शेप में ओवरऑल शेप आपकी चेंज हो जाती है वॉल्यूम चेंज नहीं होती देन हमसे क्या कहा जा रहा है द्राफ शोज द बिहेवियर ऑफ लेंथ ऑफ द वायर इन अब च दबस्टांस ओबे हुक्स लॉ तो यह हमारे को एक ग्राफ दे रखा है एक पर्टिकुलर वायर के लिए एक इन द रीजन फॉर विच दबस्टांस ओबेक्स लॉ पी एंड क्यू रिप्रेजेंट पी और क्यू क्या हमारे को रिप्रेजेंट करता है देखो जो हमारा पी है वो एक्सटेंशन रिप्रेजेंट करता है, है ना और क्यू है हमारा वो ये रिप्रेजेंट करता है कि भाई स्टोर्ड एनर्जी स्टोर्ड इलास्टिक एनर्जी कितनी है क्योंकि अगर तुम्हें याद होगा मैं स्प्रिंग को ही ले लेता हूं तो ये यू वर्सेस एक्स का कर्व कैसा बनता है ऐसा भाई अगर तुम किसी वायर को खींच रहे हो स्प्रिंग की तरह तो काम करेगा खींचेगा का? क्योंकि इलास्टिक लिमिट में ना खींचेगा वापस अपनी जगह आ जाएगा जैसे स्प्रिंग खींचो वापस अपनी जगह आ जाए तो यहां पर अगर मैं उसके स्प्रिंग के यू वर्सेज एक्स की बात करूं तो कितना हो जाता है वो ऐसे दिखता है ग्राफ तो ये ग्राफ भी सेम वैसा ही दिख रहा है ऑप्शन पढ़ने पर भी यही पता चल रहा है कि वो किसी ना किसी इन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस करना चाहता है तो एकदम से दिमाग में ट्रिगर करेगा कि हाँ ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं हुक लॉस हुक्स लॉ डिफाइन हुक्स लॉ क्या डिफाइन करता है ऑब्वियसली इलास्टिक लिमिट को वो डिफाइन करता है फिर हमसे कहा गया द वैल्यू ऑफ द फोर्स कॉन्स्टेंट बिटवीन द अप्लाइड इलास्टिक फोर्स एफ एंड द डिसमेंट विल बी यहाँ पर हमने एक लास्टिक फोर्स एफ लगाई और यह डिस्प्लेसमेंट का कर्व है तो द वैल्यू ऑफ फोर्स कॉन्स्टेंट जो वैल्यू होगी फोर्स कॉन्स्टेंट की कितनी होगी देखो फोर्स इक्वल टू तो के इन टू एक्स होता है ये डिसप्लेसमेंट है ये फोर्स है तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी एफोपॉन में के ठीक है तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये स्लोप मैं बोल सकता हूँ है ना स्लोप तो यह थर्टी डिग्री है यहाँ पर तो टेन ऑफ थर्टी डिग्री कितना हो जाएगा 10 30 डिग्री वन अपॉन रूट थ्री तो आंसर कितना आ जाएगा वन अपॉन रूट थ्री द एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग ओबेइंग हुक्स लॉ इज एक्स द स्पीड ऑफ साउंड इन द स्ट्रेच स्ट्रिंग इज वी इफ द एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग इज इंक्रीज बाय वन एक्स देन द स्पीड ऑफ द साउंड विल बिकम देखो जब भी हमारे पास कोई रोप वगैरह दी होती है अंडर द हुक्स लॉ लिमिट जब भी हम फोर्स लगाते हैं तो वो के एक्स के प्रोपोर्शनल होती है स्पीड ऑफ द साउंड हम पता है यह कहो स्पीड ऑफ द वेव टी वाई म्यू के प्रोपोर्शनल होता है टी फोर्स के प्रोपोर्शनल हुई फोर्स एक्स के प्रोपोर्शनल हुई तो जो स्पीड है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी वो अंडर रूट एक्स के मतलब एक्सटेंशन के प्रोपोर्शनल हो जाएगी तो अगर पहले केस को मैं देखूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ और दूसरे केस को मैं देखूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ हाँ या ना ठीक है अगर मैं इसे v2 टू बाई वी लिखूं तो ये आ जाएगा 1.5 का अंडर रूट विच इज नथिंग बट 1.22 तो v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी वन पॉइंट टू टू वी दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट सोल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी इफ स्ट्रेस इज इंक्रीज इफ स्ट्रेस इज इंक्रीज देन ये देन आना है रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन विल बिकम कॉन्स्टेंट अगर हुक्स लॉ को फॉलो करो तो स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो रेशो होती है वो हमेशा यंग मॉडल्स के बराबर रहती है विच इज अंस्टेंट देन हमसे क्या कहा जा रहा है कि इन द फॉलोइंग फिगर थ्री आइडेंटिकल स्प्रिंग आर एज शोन स्प्रिंग ए मास ऑफ फोर के जी इज हंग एंड स्प्रिंग एज शोन ऑफ इलांगेशन वन सेंटीमीटर बट वेन अ वेट ऑफ सिक्स के जी इज हंग ऑन बी दे हुक डिसेंड टू देखो इस केस के अंदर हम देखें पहला केस हमें दे रखा है इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर हमारे पास तीन आइडेंटिकल स्प्रिंग है तीनों के तीनों अगर ए के लिए देखा जाए तो हमने फोर के जी लगाया और जो स्प्रिंग है उसने एक सेंटीमीटर की लॉन्गेशन दिखाई जबकि अगर मैंने सिक्स के जी का वेट लगाया स्प्रिंग नंबर बी पर तो जो इलोंगेशन देखने को मिल रही है वो कितनी होगी हमें ये पता करना है मैं यहाँ पर कर सकता हूँ पहले केस में फॉर द केस नंबर वन ए केस में के एक्स इक्वल टू एफ तो एक्स हमारे पास वन सेंटीमीटर है तो के वन इंटू ट्वेंटी थी और माइनस टू इक्वल टू फोर्स कितनी है फोर्टी न्यूटन के की वैल्यू आ जाएगी फोर थाउजेंड न्यूटन पर मीटर अब दूसरे केस में आ जाओ छः किलो का वेट लगा रहा हूँ अगर मैं इन दोनों स्प्रिंग्स को लूँ तो ये आपस में किस में है सीरीज में सीरीज में स्प्रिंग क्या हो जाते हैं ऐड वो सॉरी ऐड कह रहा हूँ उनका नेट के की वैल्यू क्या आ जाती है के वन के टू के वन प्लस के टू दोनों सेम है तो के अपॉन में टू रहेगा वैल्यू तो यहाँ है के अपॉन में टू इन टू दि दिफ्लेक्शन एक्स सिक्सटी न्यूटन के की वैल्यू कितनी है फोर थाउजेंड न्यूटन पर मीटर अपॉन में टू इन एक्स इक्वल टू सिक्सटी तो यहां पर हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा दो हजार तीस हजार वैल्यू कितनी आ गई थर्टी अपॉन में वन थाउजेंड थ्री सेंटीमीटर क्लियर तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास थ्री सेंटीमीटर लेट अस स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है अ ग्राफ इज शोन बिटवीन द स्ट्रेस एंड द स्ट्रेन फॉर अ मेटल द पार्ट इन विच लॉ होल्ड गुड इज हुक्स लॉ कब से कब तक अच्छा होल्ड करता है तो अगर हम ध्यान से देखें तो जहाँ पर लीनियर लिमिट हमारे को दिखाई दे रही है वहाँ पर ही अच्छा होल्ड करता है दैट इज ओ टू ए इट विल होल्ड गुड अदरवाइज नहीं करेगा द क्वेश्चन इज द स्ट्रेस ट्रेन करी वायर ऑफ डिफरेंट मटीरियल आ रहा शोन इन द फिगर पी क्यू एंड आर आर द इलास्टिक लिमिट ऑफ द वायर द फिगर शोज दैट इलास्टिसिटी ऑफ वायर इज मैक्सिम तो पहले इलास्टिसिटी के बारे में हम देख लेते हैं देखिए स्ट्रेन से लिए हुआ एंगल आपको इलास्टिसिटी के बारे में बताएगा यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी इज स्ट्रेस अपॉन दिस स्ट्रेन तो यहाँ पर जिसका एंगल ज़्यादा बड़ा है उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा एंगल किसका है आर का तो हम ये बोल सकते हैं कि उसकी जो इलास्टिसिटी है वो क्या है सबसे ज़्यादा होगी तो पहला ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया रॉन्ग इलास्टिसिटी ऑफ वायर क्यू इज मैक्सिमम क्यू वायर की इलास्टिसिटी मैक्सिमम है ये गलत स्टेटमेंट है देखने से ही पता चल रहा है है टेंसाइल टेंसाइल स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ऑफ इज मैक्सिमम जो की वो हमारे पास क्या दे रखी है मैक्सिमम दे रखी है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो गया नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज दैट क्लियर द पॉइंट डी इन द फॉलोइंग फिगर इंडिकेट ब्रेकिंग पॉइंट क्या इंडिकेट करता है ये बच्चों ब्रेकिंग पॉइंट को ये इंडिकेट करता है द लोड लोडेशन फॉर द फोर वायर्स ऑफ सेम मटीरियल एज शोन इन द फिगर द थिकेस्ट वायर इज रिप्रेजेंटेड बाय पहली बात क्वेश्चन में दे रखा है सारे के सारे सेम मटीरियल के हैं तो हम यहाँ पर यह बोल सकते हैं यंग मॉडल सबका सेम है है ना यही तो बोल रहा है क्वेश्चन कि लोड वर्सेस इज फॉर द फोर वायर ऑफ सेम मटेरियल तो अगर मैं ध्यान से देखूं इसे मैं लिख सकता हूँ स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन तो स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू यंग्स टू तो हमसे पूछा कि थिकेस्ट वायर कौन सा है मैं स्ट्रेस को लिख सकता हूँ फोर्स अपॉन में एरिया यस तो यहां पर अगर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दू तो फॉर अ पर्टिकुलर इलोंगेशन या पर्टिकुलर स्ट्रेन

इन द्राफ इज इन बिटवीन दूनिफॉर्म दिहेड इन दार्टर लिक्विड की तरह किस पार्ट में यहाँ पर बिहेव करता है देखो बी सी पार्ट के अंदर जो वायर है वो बिल्कुल कैसे बिहेव करेगा लिक्विड की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा नेक्स्ट इन द फिगर शोन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ़ सर्टेन सब्सटेंस ओवर विच द रीजन द हुक्स लॉ इज ओबेड सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन वाले रीजन में क्या होता है हम जानते हैं कि हमारा हुक्स लॉ क्या है ओबे होता है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सिर्फ ओडी ही ऐसा पॉइंट है या ओडी ही ऐसी लाइन है जहां पर या रीजन है जहाँ पर हुक्स लॉ ओबे होगा दैन विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टांस हैज दाइएस्ट इलास्टिसिटी तो स्टील के पास सबसे हाईएस्ट इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी होती है द डायग्राम शोज स्टील वर्सेस वर्सेस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर द मटेरियल ए एंड बी फ्रॉम द कर्व वी दैट भाई इस कर्व से हम क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं या क्या डिडक्शन हम निकाल सकते हैं ए इज ब्रिटल बट बी इज डक्टाइल गलत जवाब ए इज डक्टाइल बट बी इज ब्रिटल यस ए डक्टाइल है क्योंकि ये लेंथ ज्यादा है और बी हमारा ब्रिटल है क्योंकि ये वाली जो लेंथ है आप देख रहे हैं ये कम है ठीक है तो ए हमारा डक्टाइल है वो लंबे लंबे वायर में खिंच जाएगा आप बस इस लाइन को फॉलो करिए जिसकी ये वाली लाइन ज्यादा होगी मैं आपको नोट बता रहा हूं मतलब एक ट्रिक बता रहा हूं जिसकी ये वाली जो लाइन है ना ये ज्यादा होगी ब्रेकिंग पॉइंट और हुक्स लॉ की लिमिट की एक लाइन खींच लेना जो ज्यादा होगी वो ज्यादा डक्टाइल होगा अदरवाइज दूसरे वाले क्या हो जाएगा ब्रिटल हो जाएगा

तो अगर मैं स्ट्रेट लाइन की लिमिट्स को यहां पर फॉलो कर रहा हूँ स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन लिख रहा हूं तो ये लगभग लगभग एट पर कट रहा है एट इंटू ट्वेंटू पावर सेवन और ये कहाँ कट रहा है ये यह कट रहा है लगभग लगभग फोर पर फोर इंटू टू थी पावर माइनस फोर टू इंटू सात चार ग्यारह तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी लेटस स्टार्ट विद इलास्टिक मॉडल आय द फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टील एंड कॉपर वायर ऑफ द सेम लेंथ आर स्ट्रेट बाई से रेशियो ऑफ इनक्रीज इन देंथ विल बी वी नो दैट इनक्रीज इन लेंथ इज एफ अपॉन में वाई क्या क्या चीजें हमारे को गिवन है सेम लेंथ ठीक है स्ट्रेच बाय सेम वेट तो ये और ये ये दोनों चीजें सेम है यंग मॉडलाई की रेशियो मतलब यंग मॉडलाई की वैल्यूज दे रखी, ये अलग है इज दैट क्लियर अब अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एरिया की तो वो भी हमारे लिए क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डेल्टा एल वन डेल्टा एल टू वाई टू वाई वन कितना आ रहा है जीरो पॉइंट सिक्स आ रहा है थ्री अपॉन में फाइव विल बी द करेक्ट सोल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम क्लियर है फिर हमसे क्या कह रहा है स्पेरिकल बॉल कॉन्ट्रैक्ट बाय अ वॉल्यूम ऑफ जीरो पॉइंट वन परसेंट तो एक स्पेरिकल बॉल है जो इस वॉल्यूम से क्या कर गई कॉन्ट्रैक्ट कर गई पिचक गई व्हेन सब्जेक्टेड टू द नॉर्मल यूनिफॉर्म प्रेशर ऑफ हंड्रेड एटमॉस्फेयर व्हाट इज द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटीरियल ऑफ द बॉल टेक वन एटमोस प्रेशर से यह काम हो रहा है हंड्रेड एटमोस्फेयरिक प्रेशर से यह काम हो रहा है ठीक है और कितनी परसेंटेज की श्रंकेज आ रही है जीरो पॉइंट जीरो वन तो हंड्रेड एटमोसफेयर इन टू टेन टू दावर सिक्स

माइनस ऑफ जीरो पॉइंट जीरो वन इसे किससे मल्टीप्लाई कर दोगे तुम वो सॉरी इसे किससे डिवाइड कर दोगे परसेंटेज में ना तो हंड्रेड से डिवाइड कर देना तो ये कितना हो जाएगा टेन टू दावर एट अपॉन में टेन टू दावर फोर इतना हो रहा है तो और वो भी माइनस का फोर यार हाँ माइनस का फोर कितना हो जाएगा टेन टू दावर ट्वेल्व दैट इज आंसर होना चाहिए टेन टू दावर बल्क मॉडल गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्मल बल्क मॉडल हमसे पूछा जा रहा है तो इट इज इक्वल टू द प्रेशर इट सेल्फ डायरेक्टली हम ये लिख सकते हैं कि, कि किसके बराबर होता है प्रेशर के बराबर होता है नेक्स्ट क्वेश्चन वायर ऑफ यंग मॉडल्व न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज स्ट्रेच बाई दैट इट प्रोड्यूस टू इंटू टू दावर फोर द एनर्जी स्टोर इसमॉल दिखा देते हैं हम वन बाय टू यंग मॉडल स्ट्रेन का होल स्क्वायर वन बाय टू वन पॉइंट फाइव इंटू ट्वेंटी पावर ट्वेल्व इन टू कित है पावर फोर माइनस का नहीं प्लस का एक सेकेंड टू प्रोड्यूस टू इंटू अरे इतना बड़ा स्ट्रेन कैसे प्रोड्यूस कर दिया भाई मेरे इतना बड़ा स्ट्रेन कैसे प्रोड्यूस कर दिया इसने या माइनस आएगा मेरे भाई इतना बड़ा कहा से प्रोड्यूस हो जाएगा कैलकुलेशन में भी ठीक है हाइपोथेटिकल है मानते हैं मगर ऐसे भी नहीं कि इतना खतरनाक तरीके से हाइपोथेटिकल हो जाए क्लियर तो ये ऊपर दो बज जाएगा थ्री पॉइंट जीरो तो यहां हमारे पास थ्री इंटू टेन टू दावर आठ चार बारह दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट सोल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम क्लियर है द क्वेश्चन इज टू वायर ऑफ सेम मटीरियल एंड रेडियस हैव देयर लेंथ इन रेशियो लेंथ की रेशियो दे रखिए वन बाय टू सेम मटीरियल एंड सेम रेडियस क्या पूछा गया कि इफ दे आर स्ट्रेच बाय द सेम फोर्स देन द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन द टू वायर विल बी जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा उन दोनों वायर के अंदर वो कितना होगा वट वी कैन डू इज़ हमें पता है यंग मॉडल स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन ठीक है सर तो स्ट्रेन स्ट्रेस अपॉन में यंग मॉडल के बराबर होता है अब स्ट्रेस को देखो तो वो फोर्स पर यूनिट एरिया हो गया दोनों की रेडियस सेम है तो एरिया भी सेम हो गया मतलब स्ट्रेस भी क्या हो जाएगा दोनों में सेम हो जाएगा यंग मॉडल भी क्या हो जाएंगे दोनों में सेम हो जाएंगे तो अगर हम यहां पर मान लो एक और काम करते हैं स्ट्रेन निकालने की कोशिश करते हैं स्ट्रेन प्रोड्यूस तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड विल बी इक्वल टू वन ओनली रेशो कितना आ जाएगा वन रेशो वन विल बी द आंसर इज दैट क्लियर तो बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए वेन प्रेशर ऑफ हंड्रेडमोसफेयर इज अप्लाइड ऑन स्पेकल बॉल इट्स वॉल्यूम रिड्यूस टू जीरो पॉइंट रबड़ इन डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी बल्क मॉडल वी एप ऑन में वी हंड्रेड एटमोसफेयर है तो डेल्टा वी अपॉन में वी हमारे पास कितना हो जाएगा जीरो पॉइंट जीरो एटमोसफेयर में आंसर आ रहा है दैट इज एक दो तीन चार पाँच टू द पावर सिक्स atmosphere now what we have to do is just we have to convert this atmosphere into kisme convert karna padega hamare ko atmosphere ko dyn per centimeter square me convert karna padega so what we can do is ki bhai hum 10 to the power 6 ko kis se multiply kar denge देखो एक atmosphere 10 to the power 6 dyn per centimeter square होता है. तो इसे 10 to the power 6 से multiply कर देना तो 10 to the power 12 हमारा answer आ जाएगा.

एक मीटर लेंथ का तो कम से कम मुझे चालीस के जी वेट चाहिए उसे ब्रेक करने के लिए लेकिन अगर मैंने अगर मैंने सेम मटेरियल का वायर लिया जिसकी बस रेडियस जो है वो डबल है और जो लेंथ है छः मीटर की लेंथ है तो उसे कितना ब्रेकिंग स्ट्रेस चाहिए होगा हमें पता है ब्रेकिंग स्ट्रेस एरिया पर डिपेंड करता है दैट इज़ वो रेडियस के स्क्वायर पर डिपेंड करेगा तो ब्रेकिंग स्ट्रेस टू अपॉन ब्रेकिंग स्ट्रेस वन इज़ इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ रेडियस का होल स्क्वायर अपॉन में रेडियस का होल स्क्वायर इन द केस ऑफ वन दैट इज फोर तो बी टू विल बी फोर टाइम्स ऑफ बी वन तो फोर इंटू फोर्टी के जी वेट दैट इज़ वन सिक्सटी के जी वेट विल बी द करेक्ट सोल्यूशन तो उससे चार गुना ज़्यादा वेट मुझे चाहिए होगा ताकि मैं उसे तोड़ पाऊँ ध्यान रखना ब्रेकिंग स्ट्रेस एरिया पर डिपेंड करता है दैट विल्प्लीट सोल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम द यंग मॉडल्स ऑफ मटीरियल ऑफ अ वायर इज इक्वल टू देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि जो यंग मॉडल्स है वो वायर का वो किसके इक्वल टू होता है स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इट्स लेंथ फोर टाइम्स स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूसिट स्ट्रेन स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोड्यूस यूनिट हाफ द स्ट्रेन प्रोड्यूस यूनिट द सोल्यूशन विल बी स्ट्रेस रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अट स्ट्रेन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को क्या कह रहा है ही सिंग कि व्हेन अ सर्टेन वेट इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर इट्स लेंथ इंक्रीज बाय वन सेंटीमीटर इफ द सेम वेट इज सस्पेंडेड फ्रॉम अनदर वायर ऑफ सेम मटीरियल एंड लेंथ बट हैविंग डायमीटर हाफ ऑफ द फर्स्ट वन देन द इंक्रीज इन लेंथ विल बी तो सबसे पहले हम यहाँ करेंगे डेल्टा एल का फॉर्मूला लिखेंगे एफ एल अपॉन में ए वाई मुझे पता है यहां पर क्या कह रहा है वेन अ सर्टेन वेट इज सस्पेंडेड मतलब अगर हमने लोड दोनों के अंदर कॉन्स्टेंट रखा ये जो वेट है ये दोनों के लिए वायर्स के लिए कॉन्स्टेंट रहने वाला है मतलब हमारी फोर्स कॉन्स्टेंट हो जाएगी इंक्रीमेंट इन लेंथ कितनी देर रखी है पहले वाले वायर के लिए वन सेंटीमीटर सेम वेट हमने सस्पेंड कर रखा है सेम मटीरियल है तो उसका वाई भी सेम हो जाएगा लेंथ भी हमारे पास सेम दे रखी है बस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग हो जाएगा क्योंकि डायमीटर अलग अलग है सेम लेंथ है मगर डायमीटर हाफ है तो अगर हम यहाँ लिखे डेल्टा एल वन अपॉन में डेल्टा एल टू तो क्या हो जाएगा ए टू अपॉन में ए वन डेल्टा एल टू विल बी इक्वल टू डेल्टा एल वन ए टू अपॉन में ए वन देट इज़ डेल्टा एल वन पाई डी टू स्क्वायर अपॉन में पाई डी वन स्क्वायर वन सेंटीमीटर था डी टू हमारे पास कितना है हाफ ऑफ डी वन तो हाफ़ का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर दैट इज़ यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ वन अपॉन में फोर सेंटीमीटर एक सेकेंड एक सेकेंड यहाँ पर ये यह क्या कह रहा है सेम हाँ बट द डायमीटर इज़ हाफ ऑफ द फर्स्ट वन तो हमने गलत यहाँ पर लिख दिया गलती से हमने रेशो गलत ले ली यार रेशो देखो गलती क्या हुई इसे यहाँ लाना था ना तो डेल्टा एल टू बाई डेल्टा एल वन हमारे पास हो जाएगा डेल्टा एल वन ए वन बाई ए टू तो अब हो जाएगा ये डेल्टा एल वन पाए डी वन का होल स्क्वायर पाए डी टू का होल स्क्वायर तो डेल्टा एल वन हमारे पास कितनी है वन सेंटीमीटर डी टू हमारे पास कितना है हाफ ऑफ डी वन इसका होल स्क्वायर डी वन का होल स्क्वायर तो कितना आंसर आ रहा है हमारे पास फोर सेंटीमीटर सो द क्वेश्चन इज सेइंग टू वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर इज द एरिया ऑफ स्टील वायर तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ स्टील फिर हमसे क्या बोला गया दे आर प्लेस्ड अंडर कंप्रेसिव फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एफ रेशियो ऑफ द लेंथ सच दैट चेंज ऑफ लेंथ विल बी सेम जितना कॉपर के अंदर उतना स्टील के अंदर ये होना चाहिए हम यहां डेल्टा एल की वैल्यू लिखेंगे एफ इन टू एल अपॉन में ए वाई कॉपर के लिए स्टील के लिए क्लियर सेम स्ट्रेस है एफ एफ हटा देंगे लेंथ की रेशो निकालनी है कॉपर एरिया ऑफ कॉपर यंग मॉडल आई ऑफ कॉपर हमारे पास कितना दे रखा है अब स्टील के लिए लिख लेंगे यंग मॉडल आई है टू टें पावर इलेवन दिस शुड टू ट्वेंटू टेंट टू दावर इलेवन इज दैट क्लियर ये हमने यहां पर एक्सप्रेशन को लिख लिया साथ ही साथ एरिया को मैं हटा दूंगा इट इज़ टू टाइम्स देन दैट ऑफ एरिया ऑफ स्टील इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा अब हमें यहां पर क्या निकालनी है कि दी रेशो ऑफ देयर लेंथ सच दैट चेंज इन लेंथ इन दी बोथ आर सेम उनकी रेशो निकालनी है हमारे को मतलब लेंथ ऑफ कॉपर और लेंथ ऑफ स्टील इसकी रेशो निकालनी है तो लेंथ ऑफ कॉपर पॉन में लेंथ ऑफ स्टील 1. 1 into 10 to the power इलेवन अपॉन में टेन टू दावर इलेवन ये कैंसिल हो जाएगा का आंसर आ जाएगा विच इज ऑप्शन नंबर बी एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रबर स्ट्रिंग इज टू सेंटीमीटर स्क्वायर इट्स लेंथ इज डबल्ड वेन इट इज स्ट्रेच लीनियर फोर्स ऑफ टू इंटू टेन टू दावर फाइव डायन द यंग मॉडल रबर इन डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी मैं डायरेक्टली यहां फॉर्मूला लगा सकता हूं उसने खुद बोला कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टू सेंटीमीटर स्क्वायर है फोर्स टू इंटू टू पावर फाइव डायन है ये तो देखो हमारे पास डायमेंशन लेस होता है है ना इट्स लेंथ बिकम्स डबल तो चेंज इन लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी एल के बराबर क्योंकि नई लेंथ जो हमारे पास हुई वो डबल है ओल्ड लेंथ के तो जो चेंज इन लेंथ आएगी वो क्या आएगी फाइनल माइनस इनिशियल तो ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये इससे कैंसिल तो आंसर फॉर प्रॉब्लम नेक्स्ट हमसे क्या कह अ फोर्स एफ इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ वायर ऑफ द सेम मटीरियल हैविंग ट्वाइस लेंथ एंड सिक्स टाइम्स द रेडियस तो जो नया वायर है अगर हम उसका डायामीटर देखें वो सॉरी एरिया देखें तो वह छत्तीस गुना एरिया रखता है ठीक है जो उसकी जो लेंथ देखें दो गुनी लेंथ है अब हमसे ये पूछ रहा है अगर फोर्स एफ रिक्वायर्ड होती है अगर फोर्स एफ रिक्वायर्ड होती है अगर मैं इस वायर ऑफ़ एल लेंथ को तोड़ूँ जिसकी रेडियस आर है तो कितनी फोर्स रिक्वायर होगी इस नए वायर के लिए यंग मॉडलाई ऑफ वन इज़ इक्वल टू यंग मॉडलाई ऑफ टू यंग मॉडलाई वन का किसके बराबर होता है यंग मॉडलाए टू के बराबर होता है लेकिन यहाँ पर हमारे को कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है कि मेरे पास जो ब्रेकिंग फोर्स होती है वो अगर मेरे से कोई पूछ रहा है तो वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाती है वो मेरे प्रोपोर्शनल हो जाती है एरिया के जैसा मैंने पढ़ाया था ब्रेकिंग स्ट्रेस के बारे में तो ब्रेकिंग फोर्स हमें पता चल रहा है वो एरिया के प्रोपोर्शनल हो रही है तो अगर मैं नए केस का ब्रेकिंग फोर्स देखूं और पुराने केस के ब्रेकिंग फोर्स के साथ उसे कंपेयर करूं तो बस मेरे पास यहां पर एरियाज़ की रेशो आएगी अब मुझे पता है जो नया वाला एरिया है वो थर्टी सिक्स टाइम्स है पुराने वाले एरिया के ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो जो नई वाली फोर्स निकल कर आई वो आ रही है थर्टी सिक्स टाइम्स ऑफ एफ नॉट थर्टी सिक्स टाइम्स ऑफ एफ नॉट तो हम यहां पर क्या बोलेंगे आंसर इज दिस वन डी ऑप्शन इज द करेक्ट सोल्यूशन टू कीप कॉन्स्टेंट टाइम वॉचेज आर फि फिटेड विद बैलेंस व्हील मेडअप ऑफ इनवार स्टेनलेस स्टील टंगस्टन या प्लेटीनियम दे आर मेड अप ऑफ इनवार ठीक है क्योंकि जो इनवार का डायमेंशन होता है वो टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करता बिकॉज दायमेंशंस ऑफ इन वार डू नॉट वेरी विद टेम्परेचर नेक्स्ट हमसे क्या कहा गया फाइव मीटर लॉन्ग एल्यूमिनियम वायर ठीक है हमारे पास फाइव मीटर लॉन्ग एल्यूमिनियम वायर दे रखा है डायमीटर दे रखा है सपोर्टेड अ वेट ऑफ फोर्टी के जी मास वो भी दे रखा है इनऑर्डर टू हैव द सेम इलोंगेशन इन द केस ऑफ द कॉपर ऑफ द सेम लेंथ अंडर द सेम वेट द डा मीटर मस्ट बी कह रहा है जितनी चेंज इन लेंथ कॉपर के अंदर आए उतनी चेंज इन लेंथ एल्यूमिनियम के अंदर होनी चाहिए यह कंडीशन है दोनों की चेंज इन लेंथ सेम है ये हम किसके लिए ले, ले लेंगे एल्यूमिनियम के लिए देखो क्या क्या चीजें सेम हैसेस सेम है लेंथ सेम है एरिया में रेडियस अलग अलग है उसने खुद ही पूछा कि डायमीटर कितना होना चाहिए किसका कॉपर वाले वायर का ताकि सेम डिल्टा एल आ सके और वाई वाई चेंज है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे ए वन वाई वन ए टू वाई टू तो अगर मुझे ए वन की वैल्यू निकालनी है तो ए टू वाई टू अपॉन में वाई वन मैं इसे लिख सकता हूँ पाई डी वन स्क्वायर बाय फोर या डी कॉपर स्क्वायर बाय फोर पाई डी एल्यूमिनियम स्क्वायर बाय फोर इंटू वाई ऑफ एल्यूमिनियम वाई ऑफ कॉपर लिखा जा सकता है ये दोनों कैंसिल तो डी ऑफ कॉपर डी ऑफ एल्यूमिनियम अंडर रूट ऑफ वाई ऑफ एल्यूमिनियम वाई ऑफ कॉपर अब हमें क्या क्या दे रखा है देखो एल्यूमिनियम का वाई सेवन सेवन इंटू टेन टू दावर टेन और कॉपर का दे रखा है ट्वेल्व इंटू टू दावर टू ठीक है काफी कम दे रखा है लेकिन चलो जो भी है जैसा भी है ये टू नहीं होगा मुझे पक्का पता है ये टेन ये टेन हो ये होगा 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 नहीं हो Is that clear? तो ये हमारे पास पूरा सिनेरियो निकल कर आएगा अब इसे हमें करना है कैलकुलेट जो कि सबसे खराब काम है इसका डायमीटर कितना दे रखा है तीन मिलीमीटर तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ आंसर आएगा थ्री मिलीमीटर अंडर रूट ऑफ अपॉन में 12. इसे अगर हम चांस ओपन अप भी करते हैं तो मेरे पास टू पॉइंट टू नाइन का आंसर आएगा लगभग 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 तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाना चाहिए करेक्ट सोल्यूशन हो जाना चाहिए द क्वेश्चन सेज द स्प्रिंग इज बाय अ डिस्टेंस एक्स इट एक्सर्ट अ फोर्स एफ गिवन बाय माइनस फाइव एक्स इतना

जीरो पॉइंट वन से जीरो पॉइंट टू मैं इसे इंटीग्रेट कर दूंगा इज दैट क्लियर टू पॉइंट फाइव एंड ये चार चौक सोलह जीरो पॉइंट टू का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा जीरो पॉइंट जीरो फोर माइनस ट्वेंटी फाइव जीरो पॉइंट वन का होल स्क्वायर जीरो पॉइंट जीरो वन प्लस और एक्स की पावर कितना है अरे बाप रे फोर तो जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन सिक्स माइनस फोर ये हमारे पास आंसर निकल कर आ रहा है ठीक है अब हमें क्या करना है बस इस चीज़ को सॉल्व करना है तो अगर हम मान लो इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो ये टू पॉइंट फाइव था भाई भूल मत जाना ठीक है हाँ ये टू पॉइंट फाइव तो फोर जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन फाइव प्लस टू पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट जीरो थ्री एक मिनट रुकना हाँ ये हमारे पास आंसर आएगा जगह बच रही है हाँ कितना आएगा ये पाँच ग्यारह के आसपास एट वन ये हमारे पास आंसर आ रहा है दैट इज अगर लिखूं तो लगभग लगभग एट पॉइंट वन टेन टू थ्री ऑर माइनस टू ज ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट सोल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज देट क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ अ परफेक्टली रिजिट बॉडी इज एक परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए यंग मॉडल सब की वैल्यू हमेशा क्या होती है इनफाइट होती है चलो बता देते हैं क्यों तुम ये लिखते हो इसके अंदर अब जो हमारे पास परफेक्टली रिजिट बॉडी होती है उसके अंदर जो चेंजिंग लेंथ होता है ये जीरो होता है वो लेंथ चेंज नहीं करती इसलिए इन्फानाइट हो जाती है अ वायर वाई अ वायर ऑफ यंग मॉडल टू इंटू टेन टू पावर इलेवन हैज लेंथ वन मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया वन मिलीमीटर स्क्वायर द वर्क डन टू इंक्रीज द लेंथ बाय टू मिलीमीटर विल बी देखो वर्क डन वन बाय टू टाइम्स फोर्स इन ये लिख सकते हैं तो वन

इंटू ए इंटू डेल्टा एल अपॉन में एल है ना फोर्स पर यूनिट एरिया एल अपॉन में डेल्टा एल की वैल्यू अगर वाई होती है तो यहाँ पर मैं इसे इससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ इसे इससे डिवाइड कर सकता हूँ और इसे मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगी वन बाय टू वाई ए डेल्टा एल का होल स्क्वायर अपॉन में एल ये आंसर आएगा तो वन बाई टू वाई की वैल्यू कितनी है टू इन टू टू दावर इलेवन एरिया की वैल्यू वन मिलीमीटर स्क्वायर अरे बाप बापरे वन इंटू ट्वेंटी पावर माइनस थ्री का होल स्क्वायर मीटर में कर दिया देन चेंज इन लेंथ कितनी है टू मिली मीटर टू इंटू ट्वेंटी पावर माइनस थ्री होल स्क्वायर टोटल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा ये लेंथ और हमारे पास कितनी लेंथ दे रखी है वन वन मीटर की इसे अगर हम बाई चांस कैलकुलेट करते हैं तो आंसर कितना आएगा पॉइंट फोर जू दैट इज ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट सोल्यूशन थोड़ी हार्ड कैलकुलेशन है लेकिन वी कैन नॉट हेल्प इट वो रहेंगी रहेंगी फिर अ मास एंड लेंथ ऑफ द वायर आर एम एंड एल रिस्पेक्टिवली द डेंसिटी ऑफ मटीरियल ऑफ वायर इज ऑन द इंक्रीज इन लेंथ इज एल यंग मॉडल ऑफ द मटीरियल विल बी देखिए सब कुछ हमारे को दे दिया यंग्स मॉडलर्स पूछा है मैं यंग्स को ंग मॉडल ए एल लिख सकता हूँ ए डेल्टा एल यस लिख सकता हूँ हमने क्या क्या गिवन है हमें गिवन है कि मास जो भी है वायर का वो है एम लेंथ एल है तो ये तो हमारे को मिल गई भाई ये कैपिटल एल है इसे हम चेंज नहीं करने वाले ठीक है।, है और डेंसिटी भी दे रखी है हमारे को तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है तो आंसर है नहीं तो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से हमें निकालना पड़ेगा डेंसिटी का मतलब क्या होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम मास इंटू लेंथ ए तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी कि मास अपॉन में डेंसिटी डेंसिटी और लेंथ लेंथ एज इट तो अपॉन में मास एल इन्टु चेंज इन्टु लेंथ। क्या रहे, इन इंक्रीमेंट दे इन देंथ हुई है हमारी इसके बराबर ये इंक्रीमेंट है ये इंक्रीमेंट है, है ये ये जो आपको ये आई जैसी चीज दिख रही होगी मगर ये एल है तो हमसे पूछा यंग मॉडल आई कितना है हमें अगर ध्यान से देखें थोड़ा सा इसे सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा डेंसिटी कैपिटल स्क्वायर अपॉन में ये हमारे पास आंसर निकल कर आ रहा है तो एफ डेंसिटी कैपिटल एल स्क्वायर एम इंटू एल ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम नेक्स्ट अ वायर

हम इसमें ऐसे लिख देंगे देखो मैं गलती से यहां पर वाई लिख दिया इट शुड बी डेल्टा एल ओवर या देखो इसे ऐसे भी तो लिखा जा सकता है एफ अपॉन में ए डेल्टा एल अपॉन में एल ये आपको दे रखा है जीरो पॉइंट वन परसेंट परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करता हूँ हंड्रेड से डिवाइड तो जो मेरे पास स्ट्रेन आ रहा है वो कितना आ रहा है टेन टू थी और माइनस थ्री तो ये कितना हो जाएगा टेन टू द पावर नाइन मल्टीप्लाई टेन टू द पावर थ्री टेन टू पावर ट्वेल्व ये हमारा आंसर होगा स्टील वायर ऑफ़ मीटर लॉन्ग एंड मिलीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया इज हैंग फ्रॉम अ रिजिड एंड वेट वन के जी इज हंग चेंज इन लेंथ विल बी चेंज इन लेंथ इज एफ एल ए वाई एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी है वन इंटू टेन एल की वैल्यू हमारे पास कितनी है वन मीटर ए की वैल्यू कितनी है मिलीमीटर स्क्वायर और यंग मॉडल अगर हम मान लो इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास टोटल आंसर कितना देखने को मिलेगा एक मिनट जीरो पॉइंट जीरो फाइव ही होना चाहिए ना हाँ दो पंचायत दस आएगा इतना ही आना चाहिए यार बिल्कुल कैलकुलेशन तो मेरी यही बन रही है तीन दूनी छः और ये छः पाँच ग्यारह तो फाइव इंटू टेंट दी तो पावर माइनस फाइव होना चाहिए ज़ीरो पॉइंट इसमें से दो ज़ीरो हटा लो ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फ़ाइव और ट्वेंटी तो पावर माइनस थ्री मीटर तो ये चेंजिंग लेंथ हमारे पास ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फ़ाइव मीटर ही आनी चाहिए यस तो यहाँ पर एक ऑप्शन के अंदर एक ज़ीरो कोई व्यक्ति खा गया है ये यहाँ होना चाहिए था ये दिस विल बी द करेक्ट सोल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम नेक्स्ट हमसे क्या कहा जा रहा है फॉर अ कॉन्स्टेंट हाइड्रोलिक स्ट्रेस ऑन एन ऑब्जेक्ट द फ्रैक्शनल चेंज इन द ऑब्जेक्ट वॉल्यूम डेल्टा वी अपॉन वे वी एंड इट्स बल्क मॉडल आर रिलेटेड बाय सिंपल सी बात है यार हम इसे ऐसे लिखते हैं तो बल्क मॉडल हाँ, ये लिख सकता हूँ कौन सा रिलेशन करेक्ट हो जाएगा बी रिलेशन हमारा करेक्ट हो गया सिंपल सा फॉर्मूला हमसे पूछा था फिर द इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम अरे यार ये तो डायरेक्टली हमारे को फार्मूला पता होना चाहिए यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन स्क्वायर है ना भाई क्या होती है वन बाय टू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन तो यहां पर हमने क्या करा स्ट्रेस को हटा दिया यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन से तो यह आ जाएगा एस फिर क्या हमसे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट इनमें से कौन सी स्टेटमेंट क्या है भाई करेक्ट स्टेटमेंट है अब देखिए जगह बच रही हाँ है तो हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली विद इन द इलास्टिक लिमिट बात तो यार ये सही कह रहा है हुक्स लॉ जो होता है हमारा वो करता तो काम इलास्टिक लिमिट के अंदर ही है भाई हम जानते हैं कि अगर हम देखें इस कर्व को तो ये जीरो से ए, देन ए से बी यहां तक इलास्टिक लिमिट होती है यहां नॉन लिनियर इलास्टिक लिमिट होती है तो यहां पर हुक्स लॉ काम करता है यहां काम नहीं करता तो ये पहली स्टेटमेंट ही हमारी क्या हो गई करेक्ट हो गई कुछ करना ही नहीं पड़ा हमें फिर क्या कह रहा है भाई एन एल्यूमिनियम रॉड यंग मॉडल सेवन पॉइंट जीरो पावर नाइन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हैज ब्रेकिंग स्ट्रेन ऑफ जीरो पॉइंट टू परसेंट द मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रॉड इन मीटर स्क्वायर इन ऑर्डर टू सपोर्ट अ लोड ऑफ टू दावर फोर न्यूटन विल बी तो एक एल्यूमिनियम रॉड है यंग्स हमारे पास गिवन है ब्रेकिंग स्ट्रेन हमारे को दे रखा है मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया हमसे पूछ रहा है लोड वगैरह सब कुछ गिवन है तो यंग्स मॉडल्स का फॉर्मूला लगाइए और आंसर लाने की कोशिश करिए ठीक है दो सेकंड के लिए वीडियो पॉज कर लो और आंसर लाने की कोशिश करो फिर मैं यहाँ पर वैल्यूज़ लिख देता हूँ आई होप सो आंसर लिख लिया होगा अब मैं करके दिखा देता हूँ वैसे इसमें यार करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है वाई इक्वल टू क्या होता है एफ एल ए वाई ए डेल्टा एल तो इसने हमसे क्या पूछा कि भाई मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया निकालो इस एरिया को इस तरफ पहुँचा दो तो। एफ एल वाई डेल्टा एल लिख दिया अब एक काम करो ये डेल्टा एल है इसे ऐसे लिख लो कितना दे रखा है जीरो पॉइंट टू परसेंट का चेंज है ब्रेकिंग स्ट्रेन जीरो पॉइंट टू तो इस जीरो पॉइंट टू को नंबर में कन्वर्ट कर लेना मतलब ये तुम्हारे को कुछ नहीं दे रखा है ये स्ट्रेन दे रखा है परसेंटेज में तो उसमें नंबर में कन्वर्ट कर लो क्या फर्क पड़ रहा है यंग मॉडल्स कहां गया ये रहा और ये हो गया ब्रेकिंग स्ट्रेन क्लियर ये आंसर आ जाएगा बात ही खत्म ठीक है ये हमारे पास क्या है आंसर आ जाएगा नाउ द क्वेश्चन सेज टू आइडेंटिकल वायर आर सस्पेंडेड फ्रॉम सेम रिजिड सपोर्ट बट वन इज कॉपर एंड अनदर इज आयरन आईन दट ऑफ आयरन इज देन दैट ऑफ कॉपर यंग मॉडल ऑफ आयरन इज थ्राइज दैट ऑफ कॉपर इतनी हैरानी से मत देखो थोड़े थोड़े एलिमेंट्स के नाम मुझे भी आते हैं एफ ई हमारा आयरन हो गया सी यू हमारा कॉपर हो गया हमारा हाइड्रोजन हो गया एच ही ई हमारा हीलियम हो गया ऐसे मत देखो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आती केमिस्ट्री। थोड़ी बहुत आती है और बस मुझे मुश्किल से महीना एंड आयरन वायर सो आर इन सेम लेवल मस्ट बी इन द रेशियो ऑफ मतलब उसने ये कह दिया कि देखो भाई तुम्हारा स्ट्रेन जो है वो सेम रहने वाला है क्योंकि आइडेंटिकल वायर है तो लेंथ सेम होगा एरिया सेम होगा डायमेंशन वाइज सेम होंगे तो अब उसने कह दिया कि भाई टोटल ओवरऑल स्ट्रेन सेम रहना चाहिए जितना कॉपर खींचे उतना ही तुम्हारा आयरन भी खींचे तो बस ये बताना है कि फोर्सेस की रेशो क्या निकलेगी तो मतलब कॉपर अपॉन में आयरन की फोर्स को वो पूछ रहा है तो हम कहेंगे ठीक है इट्स ओके okay. मैं यहाँ फॉर्मूला लगा दूंगा एफ एल अपॉन में ए वाई और फेरस एफ एल अपॉन में ए वाई कॉपर तो ये काट दो ए वाई क्यों लगा रहा हूँ यार डेल्टा एल लगाना चाहिए ना मुझे यहाँ डेल्टा एल लिखूंगा ये भी सेम है काट दो ये भी सेम है काट दो अब देखो एफ ऑफ कॉपर एफ ऑफ आयरन कितना आंसर आ रहा है वन अपॉन में थ्री तो आंसर हमारे क्या हो जाएगा

सेक्शनल एरिया इज एट मिलीमीटर स्क्वायर एंड सेमच अरे यार, बिल्कुली यार बिल्कुली नहीं मन करता है ऐसे क्वेश्चन एरिया फोर मिलीमीटर स्क्वाई क्या ही जाओगे क्या कर लोगे कहा लेकर जाओगे इतना सारा एरिया स्ट्रेच बाय जीरो पॉइंट वन मिलीमीटर बाई अ सरटेन वेट लो जी वेट हाउ फार विल वायर ऑफ सेम मटीरियल एक सेम मटीरियल का वायर हमारे पास है इफ़ इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ए क्रॉस सेक्शनल एरिया इज एट मिलीमीटर स्क्वायर सेम वेट अटैच्ड तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें मैं डेल्टा एल टू अपॉन में डेल्टा एल वन करने वाला हूँ डेल्टा एल टू अपॉन डेल्टा एल, एल वन क्या हो जाएगा एफ इन टू एल अपॉन में वाई ठीक है ये हो जाएगा क्या क्या सेम है लेंथ सेम है एरिया सेम है फोर्स सेम है सिर्फ वाई वन ये जो ये वाई है ये अलग अलग है तो क्या आएगा वाई वन अपॉन में वाई टू ठीक है एक सेकंड देखने दो अरे सेम मटेरियल वाई भी सेम है एरिया अलग अलग है मैंने एरिया को उड़ा दिया इतने नफरत है मुझे इन क्वेश्चनों से मतलब मैं बस क्या बताऊं इतने फालतू के क्वेश्चन होते हैं ना ये सॉलिड से एक्चुअल सॉलिड तो पढ़ाते नहीं है उल्टे सीधे सॉलिड्स पढ़ाए जा रहे हैं ठीक है तो ये कितना हो जाएगा ए टू ये हो जाएगा ए वन तो ए वन अपॉन में तुम्हें तो पता भी नहीं होगा कि मतलब ये जो चैप्टर तुम पढ़ रहे हो एक्चुअली पूरी इंजीनियरिंग की ब्रांच ये है या हम एक चीज पढ़ रहे हैं एक छोटी सी चीज पढ़ रहे हैं हम इसके ऊपर पूरी ब्रांचेस डिपेंड करती है कई सारी इंजीनियरिंग की ब्रांच है और कई सारे मतलब चैप्टर्स हैं इसी के ऊपर हम तो कुछ भी नहीं पढ़ रहे मेरे भाई तो अगर हम इसे सही से पढ़ते तो देखो कितनी सारी चीजें कर सकते थे है ना बताऊंगा नहीं कितनी सारी चीजें कर सकते थे वरना कहोगे कि सब करप्शन करना सिखा रहे हैं है रोड़ी पत्थर इन सब चीजों के बारे में बताना शुरू कर दिया ये सब नहीं सिखाऊंगा मैं तुम्हारे को तो हमारे पास डेल्टा एल टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी डेल्टा एल वन एरिया वन अपॉन में एरिया टू अब एरिया वन हमारे पास कितना दे रखा है ये दे रखा और एरिया टू हमारे को कितना दे रखा है ये तो ये आ जाएगा हमारे पास वन अपॉन में एट नहीं फोर अपॉन में एट यस इन डेल्टा एल वन डेल्टा एल वन डेल्टा एल वन डेल्टा एल वन जीरो पॉइंट वन मिलीमीटर है ना और आंसर भी देखो मिलीमीटर में ही निकालना है तो जीरो पॉइंट फाइव जीरो मिलीमीटर विल बी द करेक्ट सोल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम सो द क्वेश्चन ऑफ इलास्टिटी वाई इज half एंड हाफ टाइम्स ग्रेटर its rigidity. इट्स रिजिडिटी फाइंड ratio. ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता मैंने पहले ही एक्सप्रेशन बता रखे हैं तो जी इज इक्वल टू वाई अपॉन में टू वन प्लस सिगमा ये है थ्री बाय टू नहीं नहीं ये थ्री बाय टू नहीं है सॉरी ये दे रखा है हमारे को ये है थ्री बाय टू ऑफ जी जी से जी कैंसिल तो ये आ जाएगा थ्री बाय फोर इक्वल टू वन प्लस सिग्मा सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस वन बाय फोर तो आंसर हमारे पास कितना आ गया माइनस वन बाय फोर हंड्रेड न्यूटन फोर्स स्ट्रेचेस दी लेंथ ऑफ हैंगिंग वायर बाय जीरो पॉइंट फाइव मिलीमीटर द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच द वायर ऑफ द सेम मटीरियल एंड लेंथ बट द डायमीटर बाय ज़ीरो पॉइंट फाइव मिली विल बी तो हंड्रेड न्यूटन की फोर्स इज एबल टू स्ट्रेच अ हैंगिंग वायर बाय जीरो पॉइंट फाइव मिली कितनी फोर्स मुझे चाहिए ताकि मैं उस सेम मटेरियल के वायर को जिसका डायमीटर चार गुना है स्ट्रेच कर पाऊँ सेम इसी लेंथ से चलो ठीक है मतलब हम यहाँ क्या करते हैं डेल्टा एल वन अपॉन में डेल्टा एल टू कर देते हैं या डेल्टा एल टू अपॉन में डेल्टा एन वन कर लो क्लियर दैट विल बी एफ टू अपॉन में एफ टू एल अपॉन में ए टू यंग्स ऐसी एफ वन ए वन एल यंग्स देखो लेंथ सेम है यंग्स मॉडल सेम है फोर्स निकालनी है स्ट्रेन सेम आ रहा है स्ट्रेन जो है दोनों के केस के अंदर सेम ही है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एफ टू बाई ए टू एफ वन बाई ए वन ए टू ए वन एफ वन तो डायमीटर चार गुना है तो मतलब एरिया सोलह गुना हो जाएगा एरिया की रेशो अब कितनी फोर्स है हमारे पास सौ न्यूटन की सोलह सौ सो न्यूटन का आंसर हमारे को देखने को मिलेगा क्लियर देन हमसे क्या कहा जा रहा है इफ अ स्प्रिंग एक्सटेंड बाय एक्स ऑन द लोडिंग देन द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इज कितनी एनर्जी स्प्रिंग स्टोर कर सकता है मुझे पता है इतनी एनर्जी स्टोर कर सकता है एक्सटेंशन हमारे पास गिवन है ये के की वैल्यू का मतलब क्या होता है के होता है फोर्स कांस्टेंट तो अगर मान लो मैंने टी टेंशन लगा रखी है तो टी इक्वल टू के इन एक्स हो जाएगा तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं हमें किस फॉर्म में आंसर आना चाहिए एक्स और टी की फॉर्म में आंसर आना चाहिए स्प्रिंग कॉन्सटेंट के भी दे रखा है मतलब के की फॉर्म में भी आंसर आ सकता है कमाल की बात है ठीक है तो चलो जो भी रेलिवेंट आंसर होगा उस आंसर को हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे पहले एक काम करते हैं के को इनएक्ट रखते हैं एक्स को हटा देते हैं तो आंसर क्या बना वन बाय टू के अब ये प्योरली वर्क है इसे ये मत समझना कि भाई मुझे पता है कुछ आंसर हिट एंड ट्राई से निकाल रहा हूं मैं फॉर्मूला बन गया तो बन गया नहीं बना तो नहीं बना अरे वाह बन गया मेरे भाई ये आ गया आंसर है ना आंसर आ गया देख रहे हो पहले ही टर्म में आंसर निकाल दिया अब ये हमसे क्या कह रहा है अ वायर ऑफ नेचुरल लेंथ एल यंग मॉडल वाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एक्सटेंडेड बाय एक्स देन द एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर इज गिवन बाय तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम हमारे को पता है क्या होती है वन बाय स्ट्रेस इन स्ट्रेन लेकिन यह है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम वॉल्यूम का मतलब क्या होता है एरिया इन लेंथ तो एनर्जी स्टोर इसे हाँ तो एनर्जी स्टोर हमारे पास कितनी आएगी कैपिटल यू वन बाय टू स्ट्रेस स्ट्रेन इन टू वॉल्यूम इज दैट क्लियर अब इसे भी यार चेंज करना पड़ेगा देखते हैं किस किस चीज़ में चेंज करना है हमारे पास यार लेंथ दे रखी है लेंथ को नहीं हटाना एरिया दे रखा है एरिया को नहीं हटाना स्ट्रेस और स्ट्रेन को हटाना पड़ेगा स्ट्रेस और स्ट्रेन को हटाना पड़ेगा मैं यहाँ काम करता हूँ स्ट्रेस को हटा देता हूँ तो यंग्स मॉडल इनटू स्ट्रेन आ जाएगा तो यहाँ स्ट्रेन का होल स्क्वायर बन जाएगा और स्ट्रेन का मतलब क्या होता है चेंज इन लेंथ अपॉन में टोटल लेंथ एल टोटल लेंथ हमारे को गिवन है और एक्सटेंशन गिवन है तो ये हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा एल तो या वन बाई टू वाई एक्स स्क्वायर अपॉन में एल स्क् ए एल एल से एल कैंसिल तो वन अपॉइन टू वाई एक्स स्क्वायर ए अपॉन में एल ये हमारे पास आंसर देखने को मिल रहा है कंपेयर कर लो यार कोई कोई तो ऑप्शन आ जाएगा ये वाई ए एक्स स्क्वायर ऑफ उनमें एल ये भी नहीं है वाई एक्स स्क्वायर ये थ्री आ रहा है वाई अरे ये भी नहीं है ए वाला है तो ए वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों करेक्ट सोल्यूशन हो जाएगा देन हमसे क्या कहा जा रहा है वेन अ वायर ऑफ लेंथ टेन मीटर इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ हंड्रेड न्यूटन अलोंग इट्स लेंथ लेटरल प्रोड्यूज इजो वन माइनस थ्री मीटर ओकेर इज जीरो मॉडल आई विल बी सिंपल से पॉइजन रेशियो अगर आ गई है इन्वॉल्व हो गई है तो पॉइजन रेशो का फॉर्मूला में यूज करूंगा क्या होता है लेटरल अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ये हम लिख सकते हैं अब ये कितना है सिग्मा की वैल्यू जीरो पॉइंट फोर लेटल की वैल्यू कितनी है जीरो पॉइंट थ्री क्वेश्चन के अंदर लॉन्गिट्यूडनल को हम निकाल लेंगे तो यहां से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा चार इधर गया फोर इंटू ट्वेंटी पावर फोर ये एबसाइलम की वैल्यू आ जाएगी एक बार एबसाइलम की वैल्यू आ जाए तो ये निकालना आसान हो जाता है ठीक है अब जितनी भी चीजें हैं जैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दे रखा है पोर्स कितनी दे रखी है हमारे को सो न्यूटन ई की वैल्यू कितनी ली हमने ये सब लगाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा ये हमारा करेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा रबर कॉर्ड टेन मीटर लॉन्ग इज सस्पेंडेड वर्टिकली हाउ मच डज इट स्ट्रेच अंडर इट्स ओन वेट एक रबर की कॉर्ड है मेरे पास दस मीटर लंबी है उसे मैंने वर्टिकली ऐसे रहने दिया तो वो अपने ही वेट के अंदर कितना स्ट्रेच कर जाएगी मैंने पहले ही फॉर्मूला बताया है कि भाई एम जी एल इंटू क्या होता है टू ए वाई ये वाला फार्मूला याद है एम को रख देना डेंसिटी इंटू वॉल्यूम विच इज एरिया इंटू लेंथ एल एरिया से एरिया कट जाएगा तो क्या आ जाएगा डेंसिटी एल स्क्वायर जी अपॉन में टू वाई अब देख लो क्या क्या डेटा हमारे पास गिवन है एल की वैल्यू टेन डेंसिटी की वैल्यू पंद्रह सौ और जी की वैल्यू दस वाई की वैल्यू फाइव इन टू टेन टू की पावर एट या वन हंड्रेड एट मत समझ लेना टेन की पावर एट है क्या है यार टेन की पावर एट है मेरे भाई ये और ये टू अब इसे कैलकुलेट करेंगे जो कि सबसे बेकार काम है पाँच दिया पंद्रह तीन का पंद्रह मतलब तीस पर आएगा ना तो वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव आया तो मतलब या तो ऑप्शन हमारा कौन सा कोई भी ऑप्शन नहीं है सिर्फ पंद्रह का एक ही ऑप्शन है ए तो मैं डायरेक्टली ये ऑप्शन पर लगा दूंगा सोचूंगा इन्हीं की कैलकुलेट करने के लिए अरे खुद कर लो यार देखो ना ये पाँच या पंद्रह पर चला जाएगा और ये दो के पंद्रह पर आ जाएगा डेढ़ सौ पर तो पंद्रह का फैक्टर पंद्रह है ना तो एक ही ऑप्शन है जिसमें पंद्रह आ रहा है तो हमारा ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा यंग आई ऑफ द वायर डिपेंड्स अपॉन लेंथ नहीं डायमीटर नहीं मटीरियल यस मास हैंगिंग नहीं ये टोटल एक मटीरियल के ऊपर डिपेंड करता है इलास्टिक मटीरियल ऑफ यंग मॉडल फॉर्मूला बताया था अब उसने सारी चीजें दे दी कि भाई यंग मॉडल आई वाई है स्ट्रेस आपका एस लग रहा है तो एट द एंड ऑफ द डे वो आपको पूछ रहा है कि स्ट्रेस और यंग मॉडल की फॉर्म में आपको आंसर निकालना है तो यार स्ट्रेन को रिप्लेस कर दो स्ट्रेस अपॉन में ंग मॉडल से तो आंसर कितना आ जाएगा स्क्वायर अपॉन मे वाई तो वन बाय टू सिर मे वाई दन बाई टू एस स्क्वायर अपॉन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन है अपर एंड स्ट्रेचिज बाय देंथ बाय अप्लाइंगन इन स्ट्रेचिंग इट वायर अपर एंड लेंथ बाय अप्लाइंग एफ क्या होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होती है है ना तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं देखो एक और काम हो सकता है मेरे पास दिमाग में नहीं आ पा रहा वो एनर्जी पर ही हम ये निकाल लेते हैं यार भाई जो वर्कडन होगा वो एनर्जी में सेव हो जाएगा तो एनर्जी पर हो जाएगी स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन और इसे अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ तो टोटल एनर्जी विच इज इक्वल टू वर्क डन दैट विल बी वन बाई टू स्ट्रेस इन टू वॉल्यूम तो अब देखते हैं क्या क्या है स्ट्रेस हमारे को गिवन है फोर्स पर एरिया फोर्स तो गिवन है स्ट्रेन स्ट्रेन हमारे पास गिवन नहीं है भाई नहीं गिवन तो है उसने कहा ना स्ट्रेच लेंथ डेल्टा एल डेल्टा एल तो दे रखा है हर ऑप्शन में तो स्ट्रेन हमने लिख दिया इनटू वॉल्यूम वॉल्यूम गया आंसर तो याद रखना इंस्टेड ऑफ कि तुम ऐसे बुद्ध की तरह मेरी तरह वर्क वर्डन निकालते रहोगे ऐसे मत करना ये वाले तरीके को यूज करना वैसे मैं भी बुद्धू नहीं हूँ भाई मैंने भी यही तरीका यूज करा है है ना अनमोल सर अच्छे हैं द क्वेश्चन से वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर बाय वन मिलीमीटर इज टू जूल तो ये हमारी क्या हो गई पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है वन बाय टू वॉल्यूम स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन के बराबर क्लियर फिर हमसे क्या कहा जा रहा है द नेसेसरी वर्क इन ऑर्डर टू स्ट्रेच अनदर वायर ऑफ डबल रेडियस तो एक सेकेंड वायर है रेडियस उसकी डबल है स्ट्रेन उसके अंदर वन मिलीमीटर mm का ही आ रहा है इन द टर्म्स ऑफ जूल निकालना है तो मैं रखूंगा यू टू बाई यू वन वन बाई टू वी टू सिगमा टू ई टू वन बाय टू वी वन सिगमा वन ई वन मैं एक काम करता हूं क्यों ना इस एनर्जी इक्वेशन को ये जो स्ट्रेस मेरे को दे रखा है स्ट्रेस को मैं यंग्स मॉडल्स इनटू स्ट्रेन लिख दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा मैं इन दोनों को काट देता हूँ V2, V1, मल्टीप्लाइड बाय मॉडल्स का यंग मॉडल्स अपॉन यंग मॉडल्स इनटू स्ट्रेन इनटू टू स्ट्रेन इनटू वन ये आ जाएगा एक्सप्रेशन मेरे पास अगर मैं सिग्मा को वाई ई लिख देता हूं अब देखो वॉल्यूम क्या होती है एरिया इन लेंथ तो लेंथ तो दोनों में सेम है तो क्या आ जाएगा ए टू अपॉन में ए वन मल्टीप्लाई वाई वाई दोनों में कट जाएगा सेम मटीरियल है स्ट्रेन को देखे तो चेंज इन लेंथ अपॉन में लेंथ होता है अब चेंज इन लेंथ दोनों केसेस के लिए सेम है तो वो भी कट जाएगा क्या बचेगी सिर्फ लेंथ एल वन अपॉन में एल टू का होल स्क्वायर अब उसने हमें क्या बोला उसने बोला कि भाई रेडियस जो है हमारी दूसरे केस के अंदर वो टू टाइम्स है तो एरिया टू बाय एरिया वन कितना हो जाएगा टू का होल स्क्वायर लेंथ वन बाय लेंथ टू लेंथ हाफ है ये हाफ है तो ये टू ऊपर चला जाएगा तो टू का स्क्वायर कितना आ रहा है 16 सिंपल एज दैट अ लोड डब्लू प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन ऑफ वन मिलीमीटर इन अ थ्रेड ऑफ रेडियस आर नाउ इफ द लोड इज मेड फोर एंड द रेडियस इज मेड टू ऑल द अदर थिंग रिमेन सेम एक्सटेंशन विल बिकम हमारे पास एक डब्ल्यू लोड है वो वन मिलीमीटर mm का एक्सटेंशन प्रोड्यूस कर रहा है एक थ्रेड में जिसकी रेडियस आर है मैंने लोड को चार गुना कर दिया और रेडियस को दो गुना कर दिया तो यहाँ पर एक्सटेंशन कितना प्रोड्यूस होगा वो पूछेगा डेल्टा एल टू बाई डेल्टा एल वन कर देना तो यहाँ पर अगर डेल्टा एल का फार्मूला तुम देखते हो तो यहां पर लेंथ सेम है यंग मॉडल सेम है सिर्फ फोर्स और एरिया की रेशो निकल कर आएगी एफ टू बाई ए टू ए वन बाय एफ वन क्लियर रेडियस जो है दूसरे केस की वो दो गुना है तो ये वन बाय फोर आ गया ए वन बाय ए टू कितना आ जाएगा वन बाय फोर एफ टू बाय एफ वन और वन क्योंकि ये चार गुना वेट है ये कितना है कि वेट है चार गुना वेट है अब एक बार देख लेते हैं भाई सब कुछ सही तो है हमारे पास पता चला आंसर जो है वो उल्टा सीधा सा आ जाएगा तो हमसे कहा गया कि ये सारी चीज़ें आपको गिवन है नाव आपको ये बताना है जो एक्सटेंशन होगी वो किसके बराबर होगी तो अगर मैं यहाँ काट देता हूँ तो यार ये तो वन आ रहा है डेल्टा एल टू विल बी इक्वल टू डेल्टा एल वन और डेल्टा एल वन कितनी दे रखी है हमारे को वन मिलीमीटर तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा आंसर आ जाएगा हमारे पास वन मिलीमीटर विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम बस इतना ही है इसके अंदर ठीक है ये हमारे पास टोटल आंसर निकलकर आ जाएगा तो फिर आगे बढ़ते बार इज मेड ऑफ कॉपर एक्सपेंशन इज वन एंड टाइम ऑफ द आयरन अब ये ग्रेटर आयरन यहां पर वन ऑफ द हाफ टाइम्स ग्रेटर आना चाहिए ग्रेटर थोड़ा सा बड़ा हुआ तो कितना है ये ठीक है ये वर्ड मिसिंग था यहां पर हमसे क्या कहा गया कि फाइंड द रेशो ऑफ द फोर्सेस डेवलप इन द कॉपर वायर टू दैट ऑफ आयरन इफ दे आर हैविंग आइडेंटिकल लेंथ आइडेंटिकल क्रॉस सेक्शन वेन हीटेड थ्रू सेम टेम्परेचर रेंज एफ इसे यहां लगा दो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे पास ये तो कैंसिल ये बचेंगे नहीं क्योंकि एरिया सेम है टेम्परेचर डिफरेंस सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे और एल्फा ऑफ कॉपर कितना है थ्री बाय टू टाइम्स ऑफ एल्फा ऑफ फेरस तो आंसर आएगा थ्री बाय टू ऑफ हंड्रेड न्यूटन इज अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन द अपर एंड द लोअर फेस ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड ट्वेंटी सेंटीमीटर तो फोर्स ऑफ हंड्रेड न्यूटन है हमारे पास जो कि हमने क्यूब पर लगाई अरे बाप रे अ फोर्स ऑफ बापरेड न्यूटन ईच आर अप्लाइड एट अपोजिट डायरेक्शन ऑन द अपर एंड द लोअर फेस ऑफ द क्यूब एक ऐसे लगा दी एक ऐसे लगा दी साइड इज ट्वेंटी सेंटीमीटर अपर फेस शिफेड पैरल टू इट सेल्फ बाय जीरो पॉइंट टू फाइव अपर फेस तो भाई इधर की साइड शिफ्ट हो गया इफ द साइड ऑफ द क्यूब वर टेन सेंटीमीटर देन द डिस्प्लेसमेंट वुड है कितनी डिस्प्लेसमेंट होती है अगर मान लो साइड कितनी होती जीरो पॉइंट टू फाइव सेंटीमीटर की होती देखो रिजिडिटी मॉडल Will be equal to, yeah, rigidity modulus, हम पर क्यों देख रहे हैं वैसे देखना है तो वही चाहिए हमारे लेकिन लगता है यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर क्या सो न्यूटन की फोर्स हमने अपोजिट डायरेक्शन में लगाई ऊपर और नीचे एक पर्टिकुलर क्यूब के ऊपर वाला फेस जीरो पॉइंट टू फाइव सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया लेकिन नीचे वाले फेस का क्या चल रहा है इफ द साइड ऑफ द क्यूब वेन द डिस्प्लेसमेंट वु बीन ओके okay, मैं समझ गया अरे मैं ही मैं कह रहा हूँ ना मम्मी सही कहती है कभी कभार क्या कहती है मम्मी बेवकूफ हूँ मैं उसने ऐसे फोर्स लगाई मेरे भाई सौ न्यूटन है ना कितने की साइड है बीस सेंटीमीटर की तो यंग्स मॉडल्स कितना हो जाएगा एफ अपॉन में एरिया एल डेल्टा एल तो उसने बोला कि यहाँ पर जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है वो हो रहा है जीरो पॉइंट टू फाइव का जीरो पॉइंट टू फाइव टेंट टू दी माइनस टू लेंथ हमारे पास कितनी है ट्वेंटी इंटू टू दिवर माइनस टू सेंटीमीटर फोर्स हमारे पास कितनी है हंड्रेड न्यूटन और एरिया हमारे पास कितना हो जाएगा ट्वेंटी बाई ट्वेंटी ट्वेंटू दि वार माइनस टू का होल स्क्वायर तो पहले केस में पहली स्टेटमेंट से तो हम यंग मॉडल्स निकाल सकते हैं दूसरे केस में हम क्या कर सकते हैं क्योंकि हमारे को ये बताने कि तब कितना अगर हमें तब ये बताने है कि भाई अगर मान लो दस सेंटीमीटर का व्यक्ति हो जाए दस सेंटीमीटर का फेस हो जाए तो कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी या कह लो तो कितना डेल्टा एल निकल कर आएगा तो डेल्टा एल फॉर द केस नंबर दैट विल बी इक्वल टू फोर्स एल अपॉन में ए वाई से हम वाई की वैल्यू रख सकते हैं यहाँ से क्या रख सकते हैं वाई की वैल्यू रख सकते हैं और इसे पता है क्या और आसान तरीके से कैसे कर सकता हूं खुद सोचो और आसान तरीका क्या हो इसे करने का अगर हम देखें दोनों ही केसेस में केस नंबर वन में और केस नंबर टू में फोर्स सेम रहने वाली है एरिया सेम रहने वाला है नहीं एरिया चेंज हो जाएगा क्योंकि पहले का एरिया और अब के एरिया में अलग अलग है तो एरिया अलग हो जाएगा और यंग मॉडल्स सेम रहने वाला है तो फोर्स और यंग मॉडल सेम रहेगा तो डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन में एरिया क्योंकि क्यूब है यहाँ पर तो एल अपॉन में एल स्क्वायर दैट इज़ इट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एज लेंथ तो डेल्टा एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एचल लेंथ तो अगर मैं लिखूँ डेल्टा एल टू बाई डेल्टा एल वन दैट विल बी एल वन अपॉन में एल टू तो पहले की एल वन कितनी है बीस और एल टू कितनी है दस तो डेल्टा एल टू विल भी कितना हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ डेल्टा एल वन तो पहले के केस में अगर देखूँ जीरो पॉइंट टू फाइव का अगर चेंज देखने को मिल रहा है तो नए केस में हमारे को जीरो पॉइंट फाइव सेंटीमीटर का चेंज देखने को मिलेगा चेंज जो हो जाएगा एक्चुअली वो क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा है ना द क्वेश्चन सेज अ रेक्टेंगुलर बार हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बार है लेट मी जस्ट मेक अ वन एक रेक्टेंगुलर बार ये हंड्रेड सेंटीमीटर की लेंथ है दो सेंटीमीटर की ब्रेथ है एक सेंटीमीटर की डेप्थ है इट इज सपोर्टेड एट इट्स एंड एंड पे सपोर्ट कर रखा है नाउ टू के जी लोड इज अप्लाइड ट्वेंटी न्यूटन वेट फोर्स हमने बीच में लगाई देन हमसे क्या कहा जा रहा है कि वो डिप्रेस हो जाती है तो वो डिप्रेस कितनी हो जाती है डिप्रेस का मतलब है वो कुछ ऐसी हो जाती है ठीक है वो कुछ इतनी डिप्रेस हो जाती है नीचे की तरफ झुक जाती है तो जो डिप्रेशन है या डिफ्लेक्शन है ये कितना होगा तो इसका मैं डायरेक्ट फार्मूला आपको दे देता हूँ डब्ल्यू एल क्यू अपॉन में आ, थोड़ा सा काइंड ऑफ लाइक रिमेंबर करने में प्रॉब्लम आती है इन फॉर्मलों को लेकिन ये कुछ एम्पेरिकल फॉर्मले हैं एम्पेरिकल तो नहीं है मैंने ये डिराइव करा हुआ है तो ये है डब्ल्यू एल क्यूब फोर बाई बी डी क्यूब ठीक है जहाँ पर डब्ल्यू आपका अप्लाइड वेट हो गया लेंथ एल हो गई ंग मॉडल दो सेंटीमीटर दे रखी है और डेप्थ आपको सेंटीमीटर की दे रखी है तो तो इन सब को अगर आप यहां पर लगाएंगे तो आपके पास लगभग आंसर निकल कर आएगा करेक्ट सोल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम ध्यान रखना ये क्वेश्चन ऐसे ही नहीं हो जाने वाला थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है ऑब्वियसली तुम्हारे को ये फॉर्मुला

एंड द वेट डब्ल्यू वन इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स लोअर एंड इफ एस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर है ना देन द स्ट्रेस विच इज डेवलप्ड एट द हाइट ऑफ थ्री एल बाई फोर विल बी इक्वल टू तो सबसे पहले हमारे को ये निकालना पड़ेगा कि एट द हाइट ऑफ थ्री एल बाई फोर जो नेट वेट पड़ रहा है वो कितना होगा या नेट फोर्स पड़ रही है वो कितनी होगी तो फोर्स क्या होगी हमारे पास जो वेट सस्पेंडेड है प्लस जो वेट हैंगिंग है कौन सा वेट वायर का हैंगिंग वेट तो हमने यहां पर क्या करा कितना वेट सस्पेंडेड है प्लस वायर का कितना वेट हैंगिंग होगा कितना पार्ट वायर का क्या होगा हैंगिंग होगा तो अगर कंप्लीट वेट एल है वो सॉरी कंप्लीट वेट डब्ल्यू है तो उसे पर यूनिट लेंथ से डिवाइड करके इंटेंडेड लेंथ से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा स्ट्रेस का मतलब क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया इज दैट क्लियर यहां अपॉन में एस लगाना भूल गए है। यहां ये एस ऐसे आना है ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम